जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले का भी भला ते सत्संग सुनन वाले का भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 46वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज देवों के देव, कालों के भी काल महाकाल हैं। सभी ग्रह नक्षत्र भी हमारे गुरु जी महाराज के आगे नतमस्तक होते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं कि गुरु जी महाराज हमें आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। संगत जी, जो हमारे लेखों में भी नहीं लिखा होता, गुरु जी के दिव्य दरबार में आके हमें वो भी मिल जाता है। गुरु जी के सानिध्य में आने के बाद कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना संगत जी, लिखिया मेरे पाका दा, कोई खो नहीं सकदा हक मेरा। मेरे सिर ते दातिया हथ तेरा, कोई की बिगाड़ू कख मेरा। सिर ते दातिया हथ तेरा, कोई की बिगाड़ू कख मेरा। संगत जी, गुरु जी महाराज का हाथ हमारे सिर पर है तो हमें किसी भी चीज से, किसी भी मुश्किल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, पूर्ण सरेंडर भी गुरु जी की आज्ञा से ही होता है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक हम सरेंडर भी नहीं कर सकते। सरेंडर सिर्फ वही कर सकता है जिसको गुरु जी करवाना चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमारे हर दुख हर तकलीफ को काटा और आज तक काटते ही आ रहे हैं। संगत जी, आज का सत्संग ही इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग श्री नवीन और मीनू शर्मा का है, जो कि चंडीगढ़ से है। तो आइए संगत जी, हम सब उनका ये सुंदर सत्संग सुन लाभ उठाएं। जन्म दिवस पर उपहार। यह लिखते हुए मेरे नेत्र जल प्रवाह से धूमिल हो रहे हैं। मेरा पुत्र शांतनु जानना चाहता है कि मुझे अपने कार्यालय का कार्य समाप्त करने में कितना समय और लगेगा। उस बेचारे को यह ज्ञात नहीं है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह उससे ही संबंधित है। यह लेख 2001 में जब वह मात्र 3.5 वर्ष का था, उनसे दौरे पड़ते थे और उसके पश्चात उसके स्वस्थ होने तक का आख्यान है। चिकित्सकों ने सोचा कि उसके रोग का कारण अंधेरे से भय है और उस पर उन्होंने कुछ और विचार करना समय का दुरुपयोग समझा। किंतु दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की अवधि में उसे दो और दौरे पड़े। स्नायु विशेषज्ञों ने अनेक परीक्षण करवाए और निर्णय लिया कि उसे किसी प्रकार का मृगी रोग है। तुरंत उसकी चिकित्सा आरंभ हुई, किंतु औषधियां लेते हुए वह सदा खोया और भयभीत लगता रहा। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरुजी के जन्म दिवस पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें उनके चित्र प्राप्त हुए और अब जब भी लगता था कि उसे दौरा पड़ने वाला है, हम वह चित्र उसके पास रख देते थे। ऐसा करने से विद्या टल जाती थी। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी भौतिक अनुपस्थिति से हम अत्यंत दुखी और असहाय हो गए। जनवरी के मध्य में हमने जलंधर में उनके दर्शन करने का निश्चय किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने हमें गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को शांतनु के रोग से अवगत कराया। उनका वह केवल क्यों बोले और उन्होंने कहा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें शेष संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से नहीं सुनी है। समारोह के अंत में हमने पुनः गुरुजी के पास जाने का साहस किया। मेरी पत्नी ने उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरुजी ने चेतावनी देते हुए बोले कि यदि समस्या के बारे में और भी कुछ कहा तो वे हमें वहां से भेज देंगे। हम भयभीत हो गए। संगत समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि दिल्ली की संगत वहां रुककर अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। हमें प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है।
अगले दिन प्रातः दिल्ली लौटने पर हमने शांतनु की औषधियां बंद करने का निश्चय किया। मेरे भाई जो उसके स्नायु विशेषज्ञ मनोचिकित्सक और उनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी की राय के विरुद्ध हमने सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया था। शांतनु ने भी अपनी भूमिका निभाई। उस समय तक वह 4 वर्ष का हो गया था। वह गुरु जी के चित्र के सामने बैठकर गुरु जी से विनती करता था, मुझे ठीक कर दो। गुरु जी ने सबोध की निष्कपट प्रार्थना सुनी और उसे स्वस्थ कर दिया। उनकी कृपा से शांतनु को फिर कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़े और अपने 8.5 की आयु में उसे जितना नटखट होना चाहिए वह है। मेरी आंखों से फिर अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।